बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपकी हज़मत में हाजिर हूँ। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट साइकोलॉजी। इस लेक्चर में हम जनरल साइकोलॉजी पे बात करेंगे, जनरली साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, साइकोलॉजिकल मुख्तलिफ ब्रांचेज स्कोप के हवाले से बात करेंगे। ये लेक्चर स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिनमें CSS, PMS, लेक्चरशिप, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या चारों सूबाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके लेक्चरशिप के मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं, या इसके अलावा दीगर जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, जहाँ पे साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट या सम टाइम जो है साइकोलॉजिकली साइकोलॉजी रिलेटेड जो क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछते हैं मुख्तलिफ लेवल पे, तो उस हवाले से हैं। इसमें हम जनरली CSS के स्टूडेंट, CSS लेवल पे जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, PMS लेवल पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, या लेक्चरशिप के पोस्टों के लिए जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उस हवाले से हम बात करेंगे। उस हवाले से हमारी ये प्रिपरेशन का पार्ट है। तो इज़ यू नो दैट कि बुनियादी तौर पर हम जब साइकोलॉजी बात करते हैं तो साइकोलॉजी का लफ्ज़ जो है ग्रीक ज़ुबान से है, और ये कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, साइको एंड लॉगस। साइको एंड लॉगस, साइको बेसिकली माइंड को, स्टेटस ऑफ द माइंड को कहते हैं, मेंटल प्रोसेस को कहते हैं, एंड लॉजिक स्टडी को कहते हैं, रीजनिंग को कहते हैं, नोविंग को कहते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब बेसिकली द स्टडी ऑफ माइंड है, द स्टडी ऑफ मेंटल फेनामिना, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, या नॉलेज अबाउट माइंड, या नॉलेज अबाउट मेंटल प्रोसेस के हवाले से है। एंड इट इज़ बेसिकली अबाउट, हम इंसान के दो एस्पेक्ट की बात करते हैं, वन फिज़िकल है और एक नॉन फिज़िकल है। तो नॉन फिज़िकल जिसको हम रूह कहते हैं, जिसको हम एक रूहानी दुनिया कहते हैं, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ द माइंड, माइंड के हवाले से स्टडी, माइंड के हवाले से नॉलेज, माइंड के हवाले से रीजनिंग। तो दैट एरिया या दैट सब्जेक्ट जो है इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी में बेसिकली हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई। साइकोलॉजी का बुनियादी ताल्लुक जो है थिंकिंग के प्रोसेस से है। जब एक चीज़ के बारे में हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, रीज़न करते हैं, तो बेसिकली थिंकिंग का, रीजनिंग का जो फेनामिनाज है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं व्हाट। जब भी किसी चीज़ को हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में एराइज हो जाता है, दैट इज़ के व्हाट इज़ दिस। कोई भी न्यू फेनोमेना हम देखते हैं, न्यू चीज़ को देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है व्हाट, देन उसके बाद हाउ, और देन उसके बाद व्हाई। और ये जिस तरह जो लोग रिसर्च से आगाही, जो रिसर्च स्टडी करते हैं, तो रिसर्च में भी यही 3 क्वेश्चन जो है बेसिकली रिसर्च में हम पूछते हैं, टॉपिक के हवाले से, टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ अ टॉपिक, हाउ you will study and why you are going to study the topic, या why you are going to conduct research on the project वगैरह। तो ये जो thinking का ये फिनामिना है, इस फैशन से, इस वे से जब हम thinking करते हैं तो इसको हम psychology कहते हैं। Basically इसमें हम about एक individual के mind की study करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के मेंटल फिनामिनास के हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड है विद द स्टडी ऑफ 2 चीज़ों से, माइंड, जो मेंटल कंस्ट्रक्शन होती है एक बंदे की, जो नॉन फिजिकल कंस्ट्रक्शन है उसको हम आमतौर पर बिहेवियर कहते हैं, एक बंदे का रवैया, एक बंदे रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, इंटरेक्शन विद द पीपल, सोसाइटी के अंदर हम जिस सोशल सेटअप में रहते हैं तो हमारी मुख्तलिफ लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं, तो इसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी कंसर्न विद द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो बिहेवियर, जो रवैया है हम मुख्तलिफ लोगों से जो मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमारा जो एक ताल्लुक होता है, मुख्तलिफ लोगों से हम जो रिस्पॉन्स और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर साइकोलॉजी में हम माइंड, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का जो फेनामेना है, उनका जो फंक्शन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा होता है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ, हर सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक डोमेन मस्ट है।
जो हमें पहले से मालूम हो कि ये सब्जेक्ट जो है एक स्टडी दैट एरिया, ये एरियाज के अंदर इस स्टडी सब्जेक्ट के में हम स्टडी करते हैं, तो स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये जो क्वेश्चन है जो आमतौर पर जब एक न्यू फेनोमेना, एक न्यू प्रोसेस, एक न्यू चीज़ को हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट, हाउ, व्हाई। इन क्वेश्चनों को जवाब देना, इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन, इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को फाइंड करना, दैट्स द वर्क ऑफ द साइकोलॉजी का ये काम है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के थीरीज डेवलपमेंट होती हैं। अब दो किस्म की चीज़ें, एक फंक्शनल है और एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली है और एक फंक्शनली है। मिसाल एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर की मिसाल मैं दूंगा। एक कंप्यूटर, एक पीसी, एक लैपटॉप में एक हार्डवेयर का निज़ाम है और एक सॉफ्टवेयर का है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मिसाल इस तरह है, एक बॉडी हार्डवेयर है, फिजिकली है, एक नॉन फिजिकल है, सॉफ्टवेयर लाइक है, दोनों मिलके फंक्शन करते हैं, दोनों मिलके। तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलके उनकी ऑप्शनिंग, इस चीज़ के बारे में ये जो है ये साइकोलॉजिकल फंक्शन है। साइकोलॉजिकल फंक्शन में नॉन फिजिकल जो है, जिसको हम मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, उनकी स्टडी को साथ में फिजिकली भी लाजमी है। अगर फिजिकल पार्ट कोऑर्डिनेट न करें, मेंटल प्रोसेस तो ऑर्डर और कमांड का सिस्टम है, वहाँ से ऑर्डर और कमांड आए और फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पांस ना दे, कोऑर्डिनेट ना करे, देन प्रॉब्लम जो है अराइज हो सकती है बॉडी में। तो इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो साइंस, इट इज़ बेसिकली अ साइंस है। तो साइकोलॉजी बेसिकली एक वे है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस को और ह्यूमन की बिहेवियर को। तो आमतौर पर इसको लोग बिहेवियर साइंसेस भी कहते हैं, द साइंस ऑफ बिहेवियर। यानी एक पर्सन है, वो बिहेव करता है दूसरे लोगों के साथ। अब उनकी बिहेवियर के बारे में स्टडी, दैट इज एरिया ऑफ द साइकोलॉजी का एरिया है। फिर उसके बाद इसके हम डिस्क्राइब करते हैं उनकी बिहेवियर प्रोसेस को, हम एक्सप्लेन करते हैं उनकी बिहेवियर फिनामिना को कि हाउ ही बिहेव, हाउ ही या शी जो है दूसरे के साथ उनकी बिहेवियर किस तरह है, इंटरेक्शन किस तरह है। फिर इसमें एक और चीज़ है जो कि मेंटल प्रोसेस की हम बात करते हैं, माइंड के हवाले से बात करते हैं। तो इसमें एक चीज़ है इंटरेक्शन की, और इंटरेक्शन के लिए फिजिकल नॉन फिजिकल इंटरेक्शन होती है। फिर इसमें एक चीज़ है लर्निंग, हाउ वी लर्न द थिंग, हम जो लर्निंग करते हैं, दिट इज़ बेसिकली, चूंकि लर्निंग फेनामिना का ताल्लुक जो है मेंटल प्रोसेसेस से है, माइंड के अंदर एक प्रोसेसेस चलती है, माइंड के अंदर का फेनामिना है, उसके बेस पे हम चीज़ों को लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उसके बेस पे माइंड में डिफरेंट, हम हज़ारों इंसानों से हमारा वास्ता पड़ता है, उन इंसानों को के उनकी शक्ल, उनकी नाम, उनके बारे में मालूमात, ये काम जो है ये माइंड का है। और ये लर्निंग और ये स्टोरेज जो है ये मेंटल फेनामिना है। और इस फेनामिना की स्टडी को, इनके फंक्शन को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी का काम इस मेंटल प्रोसेस और साथ में बिहेवियर, चूंकि जब मेंटल प्रोसेस के बेस पे हम एक्शन और रिएक्शन, हम स्टिमुलस का रिस्पांस देते हैं, तो इसको हम बिहेवियर कहते हैं, जिसको हम आमतौर पर स्टिमुले और रिस्पांस कहते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी की डिफिनीशन कर ले तो बेसिकली इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बिहेव, हाउ वी बिहेव, हाउ वी इंटरेक्ट दूसरों के साथ, हमारी इंटरेक्शन किस तरह है, तो इस स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और बिहेवियर बेस पे हम बिहेवियर लोगों के साथ जब करते हैं, इस बेस पे हमारी जो रिस्पांस है, हम जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, तो इसके बेस पे पर्सनालिटी दो किस्म की बनती है। सम टाइम पीपल जो है बाज़ मुख्तलिफ नामों से हम याद करते हैं, बाज़ लोग जो है सुपेरियरिटी कहते हैं, इन्फेरियरिटी कहते हैं। यानी सम सिचुएशंस में हम जो बिहेवियर, लोगों के साथ जो रिस्पांस, लोगों के साथ जो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, उनकी लेवलिंग की बात होती है, किस लेवल पे हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। समटाइम जो है हम
एतमाद के साथ करते हैं, समटाइम बेएतमादी पैदा होती है। जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल दो स्टेटस की बात करते हैं, दो कंडीशन की बात करते हैं। समटाइम हम बिल्कुल एतमाद से होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं किसी काम करने के लिए। समटाइम हम एतमाद से नहीं होते हैं, हम कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होती है, हम वो काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी बिहेवियर की स्टडी है, और हाउ व्हाई वी आर मोटिवेटेड, और हम मोटिवेटेड क्यों होते हैं, हम मोटिवेटेड क्यों नहीं होते हैं, हम कॉन्फिडेंट क्यों हैं, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, ये जो एरिया है इसके बारे में स्टडी करना, इट इज़ द एरिया ऑफ द साइकोलॉजी का एरिया है। और ये मोटिवेशन नॉन मोटिवेशन और ये रिस्पॉन्सिव नॉन रिस्पॉन्सिव, मोटिवेटेड नॉन मोटिवेटेड, एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड, ये तमाम चीज़ें बिहेवियर से है, और बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी है। और ये बिहेवियर बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस है जो कि माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रही होती है। तो हम जब बिहेवियर की बात करते हैं तो आमतौर पर हम किसी बंदे के उनकी टॉकिंग से, बंदे के ड्रेसिंग, खाने पीने उठने, हम बंदे को पहचानते हैं। यानी बंदे की पहचान बुनियादी तौर पर उनका खाना पीना, उनके अल्फाज, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ द कम्युनिकेशन से बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है, उनकी बिहेवियर किस तरह है, उनकी पर्सनालिटी किस लेवल की है। और इस बेस पे, उनके एक्शन के बेस पे इंडिविजुअल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, या आमतौर पर जब हम किसी बंदे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम देखते हैं को कैसा बोल रहा होता है, उनकी अल्फाज, उठना बैठना, कपड़े, तो इनसे हम बंदे के आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बिहेवियर का पता चलता है, उनकी पर्सनालिटी का हमें पता चलता है, उनकी शख्सियत का कि किस लेवल की उनकी शख्सियत है। सेकंडली, सम लोग इस तरह होते हैं कि उनकी बिहेवियर को हम आमतौर पर इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इजीली उनकी स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, और उसको हम हार्ड किस्म की सिचुएशन होती है। बाद लोग होते हैं ना, वो आम लोग आपके साथ मिलेंगे भी तो वो कोशिश करेंगे कि अपने वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ द डीलिंग के आप लोगों पे, आप पे वो अपनी असलियत को जाहिर ना होने देते हैं। ज़्यादातर हम इस तरह कहते हैं ना, जिसको डुप्लीकेशन कहते हैं, कि हम दोगलापन जिसको आम तौर पर कहते हैं, कुछ होते और हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो एक एक किस्म की पर्सनैलिटी होती है, एक रियल पर्सनैलिटी है। अब ये पर्सनैलिटी की जो स्टडी है, दैट इज़ द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी में हम करते हैं। लोग क्यों अपनी हैसियत से बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेश करते हैं, या लोग बाज़ लोग क्यों अपनी हैसियत के मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं, तो बेसिकली इसका ताल्लुक बिहेवियर से है, और बिहेवियर का ताल्लुक बैक में मेंटल प्रोसेसेस से है। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम साइकोलॉजी कहते हैं। फिर बाज़ टाइम लोगों की फीलिंग हम देखते हैं, बाज़ लोग खुशी, गम, या इसके अलावा बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़ालिम होते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं, बाज़ लोग जो है ये लेवल्स जो है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो फीलिंग है इंसान के अंदर, उनकी एक्सप्रेशन, ये के बेस पे भी हम इंसान को, हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी उनके साथ अगर हम इंट्रैक्शन कर ले, इफ अ पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेल मिलाप वाला होता है, ईजिली आप उनके साथ एडजस्टमेंट होती है, ईजिली वो आपकी बात समझता है, आपको रिस्पांस देता है। बास टाइम लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। अब खुशी मनाने का मुख्तलिफ होता है, बाज़ लोग खुशी मनाते हंसते हैं, बाज़ लोग डांस करते हैं, बाज़ लोग चिल्लाते हैं। ये साइकोलॉजिकली, ये बेसिकली मेंटल जो स्टेटस है माइंड की, जो उनकी बिहेवियर है, उसी के बेस पे लोग जो है सच लाइक रिस्पांस देते हैं। तो इस स्टडी को, ये मुख्तलिफ कंडीशन की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजी की इवोल्यूशन। बुनियादी तौर पर साइकोलॉजी चूँकि सोशल साइंसेज है, सोशल साइंसेज में हमेशा ये है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस कंटिन्यू है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो है उनकी इवोल्यूशन होती है टाइम के साथ साथ, न्यू फेनामिना, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स जो है वो एराइज हो जाती है। तो साइकोलॉजी जो है बुनियादी तौर पर फिलासफी से एराइज हुई, बुनियाद जो है वो फिलासफी थी, और फिलासफी की बुनियाद डाली गई 2500 साल पहले ग्रीक में, यूनान में, जहाँ पे एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस जैसे ग्रेट सिविलाइजेशन थी, ग्रेट फिलासफर थे, उनकी थिंकिंग। अब यहाँ पे होती
कि बेसिकली फिलासफी है माइंड और बॉडी दो चीज़ें हैं, यानी वन साइड फोकस जो है बॉडी पे है, फिजिकल पे है, और एक साइड माइंड के ऊपर है कि हाउ बॉडी और माइंड की कोऑर्डिनेशन होती हैं। तो इसी स्टडी करके साइकोलॉजी जो है एराइज हुई अबाउट द स्टडी ऑफ माइंड, और फिलासफी वाले जो है उसको फिलासफी ऑफ माइंड कहते थे, माइंड की स्टडी, माइंड की रियलिटी, माइंड कंस्ट्रक्शन। तो फिलासफी से इनकी इमर्ज हुई, और फिर जो नेचुरल साइंसेज है बायोलॉजी और फिजियोलॉजी बहुत हेल्प की इन्होंने, क्योंकि बायोलॉजी में हम बेसिकली बायो लाइफ को कहते हैं, लॉजी स्टडी लाइफ की स्टडी के बारे में, लिविंग थिंग्स की स्टडी के बारे में लाइफ की स्टडी हम कहते हैं, और फिजियोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ फंक्शन हम कहते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ अर्गन के मुख्तलिफ फंक्शंस है, मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर अंग ओन फंक्शन है, हाथों का फंक्शन, पाँव का फंक्शन, इसके अलावा हेयर का फंक्शन, लिसनिंग, ईयर का, नोज का, हर बॉडी के हर अर्गन की अपनी फंक्शन है। तो इस बेस पे ये फंक्शन आवर लाइफ, यानी बायोलॉजी और फिजियोलॉजी और फिलासफी बायोलॉजी फिजियोलॉजी तीनों मिलके, इन तीनों के मिलाप से साइकोलॉजी इमर्ज हो गई। जिस तरह हम डार्विनिज्म के थ्योरीज के बारे में हमें पता है, डार्विनिज्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यानी हर चीज़ ने इवॉल्व होना है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की हम आगाह हैं कि किस तरीके से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स बॉडी, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वजूद में आई। तो 19th सेंचुरी में फिजियोलॉजी ने न्यू फील्ड साइकोलॉजी को दी, और इसके अलावा जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट है प्रोपोस्ट किया कि इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एसोसिएशन है इनकमिंग सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है विद, आमतौर पर हम जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, और फिर उनके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम होता है उनको कन्वे करना, सेंसरी ऑर्गन का काम सेंसेशन को फीलिंग करना, और उन फीलिंग को फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए से कन्वे करना, फिर वहाँ से मैसेज आना, और फिर उसका रिस्पांस, स्टिमुल रिस्पांस का जो प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी में किसी भी जगह कोई बाहर से कोई जहम लगे, किसी जगह कोई ऑर्गेनिज्म काटे, तो काटने से बॉडी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है वो एक्टिवेट होते हैं, सेंसेशन का प्रोसेस जो है वो मोटिवेट हो जाता है। तो सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं कि उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, पूरी बॉडी में इत्तेहाद का सिस्टम जो है मोटिवेशन मिलती है, पूरी बॉडी के अंदर एक्टिवेशन होती है, पूरी बॉडी जो अलर्ट हो जाती है। बॉडी जब अलर्ट हो जाए तो हर जगह से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है जी यहाँ पे, तो सेकंडों के हिसाब से हम उसको रिस्पांस भी देते हैं, हाथ की मदद से वहाँ से वो चीज़ हटाते हैं, कांटा है हटाते हैं, या इसके अलावा अगर हम किसी जगह है और गर्मी पड़ रही है तो फिर हम लोकेशन चेंज करते हैं। ये स्टिमुलेशन रिस्पांस का जो प्रोसेस है, ये जो बेसिकली फिजियोलॉजिकली प्रोसेस है रिस्पांस स्टिमुलस का, फंक्शन का, तो दैट इज़ ये साइकोलॉजी से एसोसिएशन में है। और मॉडर्न साइकोलॉजी जो है ये 1879 में इसकी जर्मनी में बर्थ हो गई, यानी जो मॉडर्न जिसको हम साइकोलॉजी जो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं हम बिहेवियर की स्टडी के ऊपर, जिसमें हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली नोन एज द मॉडर्न साइकोलॉजी, और ये 1879 में जर्मन में इसकी बर्थ होती है। आलो की प्रीवियसली अगर हम जाए तो इनकी फिलासफिकल ट्रेडिशन जो है फिलासफी से एराइज है। अब हम आते हैं फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जिस तरह हर सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो फॉर आवर फैसिलिटी के लिए, आसानी के लिए, सब्जेक्ट को हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो साइकोलॉजी को हम मुख्तलिफ फील्ड्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर दो, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट उनकी फोकस जो है स्ट्रक्चरल के ऊपर है, स्ट्रक्चरल रियलिटी के ऊपर है, और सम जो है दे बिलीव या दे जो सोच है वो ऑन द फंक्शनलिज्म है, फंक्शन के ऊपर है। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सम साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट है, और सम जो है वो फंक्शनलिस्ट है, सम स्ट्रक्चरलिज्म को फेवर करते हैं और सम जो है फंक्शनल व्यू को करते हैं, और एक मेन जो है वो इन द उसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं, वो ये होते हैं कि दे मोस्टली इंटरेस्टेड इन द बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म में होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं
ये तो जनरली हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस कहते हैं साइकोलॉजी के लिए मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के और भी सब फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ फील्डों में साइकोलॉजी का इस्तेमाल, इस हवाले से हम बात करते हैं। एक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, नॉर्मल बिहेवियर का प्रोसेसेस है, बॉडी सिस्टम के कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गन का सिस्टम है, एंड वन इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है। फिर उसके बाद एडल्ट साइकोलॉजी, जो बच्चों के, एक चाइल्ड साइकोलॉजी है, जब बच्चे की परवरिश पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, उनकी रिक्वायरमेंट्स उन स्टेजेस में के अंदर बच्चे की जो परवरिश के स्टेजेस है, फिर उसके बाद जब बच्चा एडल्ट बन जाए तो उनको एडल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। इस तरह एनिमल साइकोलॉजी है, इस तरह कंपैरेटिव साइकोलॉजी है, जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग की हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज बोथ आर एनिमल्स। एक सोशल एनिमल्स है, एक एनिमल्स है, एक सोशल एनिमल्स है, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस की हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बेसिकली द यूज ऑफ साइकोलॉजी एंड द क्लिनिकल, फॉर क्लिनिकल पर्पसेस के लिए साइकोलॉजी का जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जब हम लर्निंग प्रोसेसेस और लर्निंग थ्योरीज के हवाले से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, व्हेन हम साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटली इस्तेमाल करते हैं, फॉर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली उसका यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जर्नल साइकोलॉजी, जो आम जर्नल एस्पेक्ट, जो जर्नली स्टडी करते हैं, जर्नल साइकोलॉजी इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक साइकोलॉजी, जीन्स के बारे में, बेसिकली ह्यूमन बायोलॉजी में, बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, इसमें बेसिक चीज़ जीन्स है, जो जेनेटिक साइकोलॉजी। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, दैट इज़ बेसिकली यूज इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो साइकोलॉजी की एप्लीकेशन, दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी, चूँकि मिलिट्री के अंदर साइकोलॉजी का इस्तेमाल, खासकर फॉर द वार, खासकर फॉर द प्रोपोगंडा, चूँकि प्रोपोगंडा बेसिकली वो टूल्स है जिसके ज़रिए से जंग जीत भी सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम जो दुश्मन है उन पे उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनके माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ वार में मुख्तलिफ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री में मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुश्मन को के जो हौसले हैं उनको डाउन करते हैं, तो इसको मिलिट्री साइकोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद जो है क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ग्रुप साइकोलॉजी, तो दीज आर सब मुख्तलिफ सब फील्ड्स हैं, ये सब एरियाज़ हैं जहाँ हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम साइकोलॉजी की यूटिलिटी करते हैं, जहाँ हम साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट सब फील्ड्स में। इसके बाद आता है काउंसलिंग। मेजॉरिटी ऑफ यू, आपको पता होगा काउंसलिंग के हवाले से भी, साइकोलॉजिस्ट का मेजर जो काम है दैट इज़ वो होता है कि आपको कि जो स्टडी करना, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना, ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर को स्टडी करना और बिहेवियर के बेस पे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना। अब चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे आप मिलिट्री में हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी भी जॉब्स में हैं, तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर जिस तरह वर्क जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट का इशू है, इसके अलावा स्कूलों में एडजस्टमेंट का लर्निंग इशू है, इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स का एराइज होना, इन तमाम के लिए जो चीज़ है दैट्स काउंसलिंग। और ये काम जो है साइकोलॉजिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वर्ल्ड में, डेवलप वर्ल्ड में उनका काम होता है कि दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, एजुकेशन हो, वहाँ पे पार्ट होते हैं और उनका काम काउंसलिंग करना है, डिस्प्यूट जो एराइज होते हैं उनको कंट्रोल करना है। तो काउंसलिंग जो है ये एक एक्सरसाइज है जहाँ पे काउंसलर जो है नॉट ओनली कोशिश करते हैं टू सॉल्व द पीपल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स यानी वर्क प्लेसमेंट में लेट सपोज कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उस डिस्प्यूट को न सिर्फ सॉल्व करना बल्कि क्या करना, बल्कि
इस तरीके से न्यू अप्रोच को डेवलप करना, न्यू मेथड्स को डेवलप करना कि इन फ्यूचर सच लाइक डिस्प्यूट दोबारा इस इंडस्ट्री में, इस इदारे में एराइज ना हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द काउंसलिंग है। एंड फॉर दिस पर्पस उनका काम क्या होता है कि खासकर जब हम बात करते हैं फीलिंग के हवाले से, खासकर कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम देख ले तो इस दौरान बहुत सारे लोगों की जो फीलिंग है, खासकर मीडिया अगर हम देखते हैं उसी दौरान, तो मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोपोगंडा, फेक न्यूज़ और इस तरह के खबरों के आने से, और खासकर सोशल मीडिया पे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस तरह शेयर करते थे कि कोरोना का ये हो जाएगा, ये फला, ये तबाही आ जाएगी, इसी तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकली जब डिप्रेस करते तो उसी वक्त मेजर जो रोल था दैट वाज ऑफ द साइकोलॉजिस्ट के, काउंसलिंग करते थे लोगों को, फीलिंग के बारे में उनकी हेल्प करते थे कि उनके थॉट्स प्रोसेस को क्लेरिफाई करें, उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है थॉट प्रोसेस में उनको रिम्यू कर ले, उनको गाइडलाइन कर ले कि हाउ टू, किस तरीके से आप इन हार्डशिप पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और इसका तरीका ये होता है साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे बेसिकली क्या कहते हैं, वो आपको सुनते हैं और उसके बाद आपको तरीका बताते हैं। फिर उसके बाद है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी बेसिकली ट्रीटमेंट है जिसमें ट्रेन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो एक अपने पेशेंट के साथ, चाहे वो पेशेंट इंडिविजुअल हो या ग्रुप, सब टाइम यह है कि फैमिली के अंदर कोई इशू, कोई डिस्प्यूट हो, खासकर डाइवोर्स के केसेस में, खासकर फैमिली डिस्प्यूट के केसेस में, तो होल फैमिली जो है उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सूरत में सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो है दे एड्रेस द प्रॉब्लम, दे फाइंड आउट द प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनके काजेस के ऊपर बात करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करते हैं, और देन उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वेज़ के ज़रिए से उनकी सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो तरीक़ाकार है इसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, चाहे डाइवोर्स की सूरत में हो, चाहे आइसोलेशन हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो फीलिंग के हवाले से, तो साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उस इंडिविजुअल को या ग्रुप को स्टडी करें, उनकी काजेज मालूम करें, काजेज तक पहुँचे, और काजेज की जो इन्फ्लुएंस है उनको स्टडी करें, देन उनको वेज बताएं, उनको प्रैक्टिसेस बताएं, उनको थेरेपीज बताएं जिसके ज़रिए से वो उनकी रिकवरी पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल जो इशू हैं खासकर जो फीलिंग और थाट्स के हवाले से दे उनको रिकवरेबल है, लेकिन टाइम टेकिंग है, बिकॉज चूँकि सोशल प्रोसेस है तो सोशल प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एट द एंड अगर हम साइकोलॉजी को, चूँकि हम जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से, मुख्तलिफ पोस्टों के हवाले से, तो हमने बुनियादी तौर पर बात की साइकोलॉजी दो अल्फाज से, साइको एंड लॉजी, यानी एक जो है माइंड है और एक लॉजी है, स्टडी ऑफ द माइंड के हवाले से हमने बात की। तो बेसिकली साइकोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ द एवरीडे ह्यूमन लाइफ की पार्ट है, एक ऐसा है, यानी हमारी जो जिंदगी है इसका बुनियादी जो एक फैक्टर एलिमेंट है दैट इज साइकोलॉजी। हम जो भी करते हैं लोगों के साथ, सुबह से शाम तक लोगों के साथ मिलना जुलना, रिस्पांस, ये ऑल दीज थिंग्स जो है दैट इज़ द स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी हैं। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर को, अगर हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोगों की बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर ले तो इसकी मदद से हम इजीली कैन हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल हासिल कर पर कंट्रोल पा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमें मिल सकती है। मिसाल के तौर पर जब हम लोगों से डीलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बंदे जो है किस बिहेवियर का है, नेचर क्या है, तो हम इजीली उनको डील कर सकते हैं। अगर बिहेवियर का पता ना हो, बंदे के बिहेवियर का हमें पहले से अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ये डिफ़िकल्ट होता है उस बंदे को कंट्रोल करना या उस बंदे के साथ डीलिंग करना, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता है कि शायद इस बात से या इस बात से मे बी कि वो हफा हो जाए, नाराज़ हो जाए, मे बी कि वो माइंड कर जाए। तो बिहेवियर की स्टडी जो है ये हम साइकोलॉजी में करते हैं, और इसकी मदद से हम डेली एवरी डे रूटीन एक लाइफ में हम लोगों की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आमतौर पर टू डिफरेंट थिंग्स हैं। काउंसलिंग इज समथिंग
इल्स देन साइकोथ्रोपी। साइकोथ्रोपी बकाया थ्रोपिक वे इस्तेमाल करते हैं। काउंसलिंग में जस्ट लाइक एक वे, एक सॉल्यूशन बताई जाती है, तो इसमें हम लिसनर करते हैं। काउंसलिंग जो है दे आर अ गुड लिसनर, ये दूसरों को सुनते हैं और फिर उसके रिस्पांस जो है देते हैं। और साइकोथ्रोपी जो होते हैं वो साथ में ट्रेंड भी होते हैं, साथ में वो उनके पास एक प्रोफेशनल लिट्रेन भी होते हैं, साथ में वो लोगों को ये भी बताते हैं कि हाउ टू डील और हाउ टू, किस तरीके से आपने डील करना है, किस तरीके से आपने सॉल्यूशन फाइंड करनी है। काउंसलिंग जस्ट लाइक वो आपकी काउंसलिंग करेगा। और थ्रोपिक जो है प्रॉपर वे इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसके बेस पे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो टुडे आवर लेक्चर वाज अबाउट द जनरल साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, फिर फील्ड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, एरिया ऑफ द साइकोलॉजी, किस एरिया के ऊपर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की साइकोलॉजी के टू डिफरेंट इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है, काउंसलिंग और साइकोथेरापी के हवाले से। क्योंकि ज़्यादातर जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं